गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस से रिलेटेड फार्मूला पहले रिवाइज कर लिए थे और फिर उसके बाद हमने कुछ सम्स किए थे बोर्ड पे, कुछ तुमको करने लगे थे और तुमको 6 सम्स मैंने होमवर्क दिए थे पेज नंबर 21 पे एक्सरसाइज 1C का। फटाफट बुक्स निकालो, चेक करो फर्स्ट सम, सेकेंड सम, थर्ड सम, फोर्थ सम, फिफ्थ सम, सिक्स सम, इसके आंसर्स क्या क्या हैं और तुमने सॉल्व कैसे किया है, ये जरा ध्यान से देख लो एक बार फटाफट। फर्स्ट सम तुमको दिया था 4x^-1/4, ये पहला क्वेश्चन था। अब इसमें पावर सिर्फ x को ही पावर है, 4 को पावर नहीं, और x की पावर नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा a^2 करेक्ट -m = 1/a^m। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 1/x^-1/4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 × 1 = 4 × x^-1/4, ये फाइनल आंसर तुम्हारा आया रहेगा। चेक करो एक बार फटाक से। अगला क्वेश्चन था 8^1/3। 8^1/3 इसको सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व किया रहेगा तुमने, 8 मतलब 2 का क्यूब होल ब्रैकेट (^1/3) वैसा का वैसा। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a^m बाहर n = a^perfect m × n। तो अगले स्टेप में 2^3 × 1/3, 3 कट, आंसर क्या आता है 2 आंसर आया रहेगा। चेक करो फटाक से, फॉर्मूला लिखना है, मैंने तुमको बोला है लॉ ऑफ इंडाइसेस कौन से जरूर है, वो लॉ तुमको लिखना पड़ेगा। थर्ड सम 2 × 32^1/5, ये 6 सम के अलावा मैंने और कुछ बोला था तुमको, मैंने तुमको बोला था एक बार तुम लोग सारे स्क्वायर्स, 2 का स्क्वायर जैसे 4 है, 3 का स्क्वायर जैसे 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, वैसे सारे स्क्वायर्स 20 तक लर्न करने के लिए मैंने तुमको बोला था, और क्यूब्स 15 तक तुमको लर्न करने बोला था, 15 नंबर तक तुमको लर्न करने के लिए बोला था क्यूब्स, जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 करेक्ट, वैसे क्यूब्स लर्न करने हैं तुमको। अब एक चीज ध्यान में रखो, अभी ये 1/5 पावर में दिया है, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे 32 दिया रहता है और पावर में 1/5 दिया रहता है, जब पावर में 1/3 दिया रहता है, पावर में 1/2 दिया रहता है, 1/3 मतलब क्यूब रूट हो गया, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो गया, तो जब अपन ने स्क्वायर्स लर्न कर लिए तो अपने को स्क्वायर रूट उल्टा करके कैलकुलेट करते आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने स्क्वायर लर्न किया रहेगा, 9 का स्क्वायर कितना आता है करेक्ट 81 आएगा, 9 का जब तुम स्क्वायर करोगे 81 आएगा, और अगर मैं 81 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आएगा क्या 9, मतलब अगर 81^1/2 अगर मैं बोलूं तो तुम्हारा आंसर 9 आता है। ये 9 कैसे आता है, 81 मतलब 9 का स्क्वायर होल (^1/2) = 2 कट, आंसर क्या आया 9। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1/2 था तो तुम 9 इजीली कैलकुलेट कर पाए, या फिर 9 का स्क्वायर तुमने रन कर लिया 81 है तो तुमने 9 बराबर आंसर कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे 1/5 है। अब ध्यान से सुनना, जब पावर में जो रहता है ना अंदर का, ये जो पावर है ना ये वाला, तुमको उसी में कन्वर्ट करना है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल 81 मतलब 3^4 भी होता है, 3^4 भी 81 होता है और 9 का स्क्वायर भी 81 ही होता है, पर यहाँ पे 1/2 था ना, 1/2 था ना, तो मैंने पावर 2 ही लेना जरूरी समझा। तुम 3^4 लेके भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर 9 ही आएगा, देख लो 81^1/2, 81 के जगह पे 3^4 लिखता हूँ होल (^1/2), यहाँ पे a^m, ये वाला फॉर्मूला a^m बाहर है, a^m × n, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो क्या आएगा 3^4 × 1/2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 मतलब 3 का स्क्वायर = अगेन क्या आएगा 9 ही आएगा। तो एक सिंपल वे ट्रिक है, हमेशा याद रखना यहाँ पे जो पावर है 99% केसेस में, 99% केसेस में, 1% छोड़ दो, 99% केसेस में, 1% ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो रहेगा अंदर उस हिसाब से पावर नहीं आ सकता, ऐसा हो सकता है, पर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है ना तो तुम्हारा आंसर 2 आना चाहिए, इस हिसाब से कन्वर्ट होता है, वैसे ही नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, पर वैसा नहीं आ रहा है, वैसा अगर नहीं हो रहा रहेगा तो उसके साथ कोई मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल मल्टीप्लाई करके फिर कन्वर्ट होता रहेगा,
पर अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही समझो, या फिर चलो इजी कर देते अपन, कोई भी नंबर रहने दो जो सबसे छोटा नंबर का पावर हो सकता है ना उसमें कन्वर्ट, भले तुमने 9 में कन्वर्ट नहीं किया फिर भी तुम्हारा 9 बार बार आंसर आएगा, तुम 3:4 कर दो। अब वैसे यहाँ पे 32 छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे 256 लिखता हूँ, 256 मतलब क्या, 16 का स्क्वायर, 256 मतलब 16 का स्क्वायर भी होता है, या फिर अगर मैं 4:4 लिखता हूँ तो भी 256 होता है, या फिर 2:2 अगर मैं लिखता हूँ 8 लिखता हूँ तो भी 256 होता है। तो अभी ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, ये तीन ऑप्शन में से हम कौन सा यूज करें सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। हमेशा याद रखना एक ही कंसेप्ट को फॉलो करना, इसके अलावा भी तुम ऐसे सॉल्व करो ऐसे सॉल्व करो तुम्हारा आंसर आना ही है, आंसर आएगा, पर तुम्हारा इजी टेक्निक करने जा रहा हूं, मतलब कि जितना इजी रहे उतना अच्छा है, जितना लिस्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो उतने लिस्ट कन्वर्ट में करके इसको ही फॉलो करो। जैसे अभी यहाँ पे 9 का स्क्वायर भी होता है 3:4 भी होता है ना, तुम 3:4 को फॉलो करो, क्यों, क्योंकि आगे जाके अपन जो सम्स देखेंगे वहां पे तुमको ये बेस पहले से क्लियर रहेगा, जो सबसे छोटा नंबर उसको उसके पावर में कन्वर्ट करके फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना है नंबर को, ये अगर तुम्हारा पहले ही क्लियर है तो तुम्हारा आगे का सम सॉल्विंग इजी हो जाएगा। आगे के पार्ट में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के सम्स आएंगे, वहां पे तुम लोग ये टेक्निक फॉलो करोगे तो फिर से तुमको डबल डबल काम करना पड़ेगा, पहले 9 का स्क्वायर किया फिर 9 आया फिर 9 मतलब 3 का स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर लिख के फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ हमेशा के लिए इतना ही याद रखना, जो भी नंबर रहेगा उसका लिस्ट, जैसे देखो 256 नंबर था तो 16 का स्क्वायर भी आता है, 4 का स्क्वायर 4:4 भी आता है और 2:8 भी आता है, तो 16, 4 और 2 इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है ना, तो 2:8 में कन्वर्ट करना। वैसे ही यहाँ पे 32 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 32, तो तुम लोग अगर टेक्निकली देखोगे 2 का क्यूब 8 आता है, 3 का क्यूब 27 आता है और 4 का क्यूब 64 आता है, तो ये 4 में नहीं आ सकता, 3 में तो ऑफ कोर्स नहीं आ सकता क्योंकि 3 ऑड नंबर है, तो ये 2 में किधर तो भी आ सकता है, तो 2 में आएगा कैसे, उसके लिए तुमको ना कैलसी पे एक शॉर्टकट है वो यूज करना पड़ेगा। कैलसी सब लोग फटाफट निकाल लो, कैलसी पहले कैलसी निकाल लो फटाफट सब लोग, तुमने अगर कैलसी निकाला रहेगा मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर रहेगा तो मेमोरी में से डेटा निकाल दो, मेमोरी में से डेटा निकालने के लिए एमआरसी प्रेस करना, किसी किसी के कैलसी पे 2 बार एमआरसी प्रेस किया तो मेमोरी का डेटा निकलता है, एमआरसी प्रेस करने के बाद ऑन का बटन फिर से प्रेस करो, ऑन एसी जो भी रहेगा तुम्हारा कैलसी पे वो बटन प्रेस करना, मोबाइल का कैलसी ऑन मत करना, कैलकुलेटर ही रखो सामने रखा, पहले कैलसी पे 2 का बटन प्रेस करो, 2 का बटन प्रेस किया फिर उसके बाद इनटू का बटन प्रेस करो, पहले 2 का बटन फर्स्ट स्टेप, फिर इनटू का बटन सेकंड स्टेप और फिर इक्वल्स टू का बटन प्रेस करो, मैं जो जो बोल रहा हूं वही प्रेस करना, इक्वल्स टू का बटन थर्ड स्टेप। जब तुमने इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया तो तुरंत तुम्हारे सामने 4 आया रहेगा कैलसी पे, बरोबर 4 देख रहे सभी कैलसी पे, फिर से इक्वल्स टू का प्रेस करो बटन फोर्थ स्टेप, फिर से इक्वल्स टू का बटन प्रेस करो तो क्या आया रहेगा 8 आया रहेगा, 8 आया, फिर से इक्वल्स टू का प्रेस करो, मतलब तुमने इक्वल्स टू जब फर्स्ट टाइम प्रेस किया तब तुम्हारा आंसर 4 आया, जब आंसर 4 आया 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, हम लोग पावर्स को काउंट करेंगे, पावर्स को काउंट करो, पावर कितना है इधर 2, मतलब जब तुम पहली बार इक्वल टू प्रेस करते हो, पहली बार इक्वल टू प्रेस करते हो तब काउंट क्या करने का 2, फिर दूसरी बार इक्वल टू प्रेस किया तो काउंट क्या करोगे 3, इधर तुम्हारा 8 आया रहेगा कैलसी पे, ठीक है 3 काउंट बराबर आ रहा है क्या, 3 काउंट देखो 8 बराबर आ रहा है, फिर फिफ्थ टाइम तुमने जब प्रेस किया तब क्या है तुम्हारे कैलसी पे 16 आया रहेगा, तो 2:4 काउंट देखो 2, 3, 4, फिर सिक्स्थ स्टेप ये जो सर्कल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये स्टेप्स है और इक्वल टू तुम जो प्रेस कर रहे हो इधर इक्वल टू 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पर काउंट 1, 2, 3, 4 नहीं करने का, पहली बार जब इक्वल टू प्रेस करते हैं तब 2 काउंट पकड़ने का, दूसरी बार इक्वल टू प्रेस किया तो 3 काउंट, तीसरी बार इक्वल टू प्रेस किया तो 4 काउंट, अब तुमने सिक्स्थ स्टेप में 1, 2, 3, 4 चौथी बार इक्वल टू प्रेस किया तो तुम्हारा आंसर आएगा कैलसी पे 32,
पर काउंट करते वक्त क्या काउंट आया रहेगा? फिफ्थ। तो पहली बार जब पहले फिर से एक बार मतलब दो टू टू कैलसी पे प्रेस करना, पहले एमआरसी मेमोरी में से जो भी डेटा रहेगा उड़ा देने का, टू कैलसी पे प्रेस करने का, फिर इनटू का बटन प्रेस करने का, फिर इज इक्वल टू। जब पहली बार इज इक्वल टू पकड़ते हैं तब काउंट टू का होना चाहिए, टू का काउंट, फिर दूसरी बार इक्वल टू थ्री काउंट करते जाने का, थ्री फिर फोर फिर फाइव, और जब तुम फाइव काउंट करके इक्वल टू प्रेस करते हो तब तुम्हारे कैलसी पे 32 नंबर दिखेगा। और जैसे जैसे तुम नंबर्स काउंट कर रहे हो ना, टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक पहुंचे मतलब टू रेस टू फाइव, क्योंकि तुमने स्टार्ट कहां से किया था, टू से किया था ना, तो टू रेस टू फाइव मतलब 32 आता है, तो टू रेस टू फाइव मतलब 32, इधर ध्यान दो, टू रेस टू फाइव मतलब 32, तो ये 32 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टू रेस टू फाइव और बाहर 1/5। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाइज कर सकते हैं, ए रेस टू एम बाहर एम इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू एम। तो अगले स्टेप में 2 इंटू 2 रेस टू 5 इंटू 1 बाय 5, 5 5 कट, 2 टू 4, 4 इज द फाइनल आंसर। जो फाइनल आंसर है उनको बॉक्स करो, मतलब वो समझेगा आंसर कौन सा है, ठीक है? ये कंसेप्ट जरा ध्यान से देख लेना, उस हिसाब से कैसे पे ट्राई करना। फर्स्ट स्टेप अगेन समझ लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप 2 प्रेस करना है, सेकंड स्टेप इंटू प्रेस करना है। पहली बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो 2 काउंट करना, क्योंकि पहली बार इक्वल टू प्रेस करने का 4 आता है तुम्हारे कैलसी पे, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ऊपर का काउंटिंग तुम्हारा चलना चाहिए। पावर का काउंटिंग करें हम लोग, पावर का 2 काउंटिंग। दूसरी बार इक्वल टू प्रेस करेंगे 3 काउंटिंग पकड़ने का, फिर तीसरी बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 4 फिर 5, और जब 5 काउंटिंग करते हैं तुमने इक्वल टू प्रेस किया तो तुम्हारा आंसर कैलसी पे 32 आता है, 32 इधर आया और 32 पे हम लोग रुक गए। फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैंने 2 नंबर ही क्यों लिया, मैं 3 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, वो समझ लेता हूँ जरा ध्यान से देखो। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो 8 आता है, ठीक है, मतलब 8 32 से कम ही है, बरोबर। मतलब अपने पास चांस क्या है, 2 का चांस है, क्योंकि 2 का मैंने क्यूब भी किया, 2 रेस टू 4 2 रेस टू 5 ये सब चेक नहीं किया, 32 आता है, नहीं आता इसके, ठीक है। फिर मैंने 3 का क्यूब, मैंने तुमको पहले बोला था क्यूब लर्न, क्यूब सारे क्यूब्स लर्न कर लेना, 3 का क्यूब जब किया तो 3 का क्यूब आता है 27, 3 का क्यूब क्या आता है 27, और 3 रेस टू 4 करूंगा तो 81 आता है, तो 32 किधर आता ही नहीं। पहली चीज 32 जो नंबर एंड हो रहा है, या फिर 32 ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, इवन नंबर। तो मेजॉरिटी केसेस में तुम्हारा ये नंबर ऑड नंबर आंसर नहीं देता है, मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है। या फिर तुमने ऐसे देख भी लिया तो भी तुमको ध्यान में आ गया कि 32 से तो नहीं बैठ रहा है मैं कहीं पे भी। फिर अगर मैंने 4 का क्यूब लिया, 4 का क्यूब क्या आता है 64, फिर 5 का क्यूब 6 का क्यूब, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। क्यूब जरा ध्यान से देखो, 2 का क्यूब जब मैं कर रहा हूं तो 8 है, ठीक है, मतलब 2 रेस टू 4 करूंगा 2 रेस टू 5 करूंगा, तो अपन ने पूरा सब सॉल्व करके देख लिया 2 रेस टू 5 32 आता ही है, पर मैं वहां तक नहीं गया। मेरे को ये चेक करना था कि 2 के नंबर से सॉल्व करूं 3 के से करूं या 4 से करूं, मतलब ये जो शुरुआत मैंने की ना, ये 2 से करूं 3 से करूं या 4 से करूं, ये मुझे चेक करना था। तो ये मुझे चेक करने के लिए मैंने पहले 2 का क्यूब 8 निकाल लिया, 3 का क्यूब 27 और 3 रेस टू 4 81 होता है, मतलब इधर 32 नहीं बैठता है, तो अब इधर 32 नहीं बैठता है, तो 4 का क्यूब कैलकुलेट करके देखा 64, मतलब 4 का क्यूब 64 है, मतलब ये इधर भी नहीं बैठता है, मतलब 2 में ही बैठेगा, इसके अलावा किधर भी नहीं बैठेगा, क्योंकि 3 में 32 किधर नहीं दिख रहा है, 4 में क्यूब ही 64 आ रहा है, मतलब क्यूब ही 32 से बड़ा आ रहा है। यहाँ पे 3 का क्यूब 32 से छोटा आ रहा था, इसे 3 रेस टू 4 निकाला हमने, समझ रहे सबको, तो 2 में ही बैठेगा, इससे डायरेक्ट 2 से ही सॉल्व किया मैंने, अगर दूसरा नंबर लिया ही नहीं, 3 से भी नहीं लिया, 4 से भी नहीं लिया, कोई दूसरा नंबर नहीं लिया। और एक चीज याद रखना, जो चीज 2 से होती है या फिर जो चीज 4 वाइस वर्सा, जो चीज 4 से होती है, मतलब 64, ये 64 नंबर 2 रेस टू में भी लिख सकते हो, तो 4 ये ट्राई नहीं करना, हमेशा याद रखना नंबर जो ट्राई करोगे 2 3 5 यही बेसिक नंबर है, और मतलब जो 7 यही बेसिक नंबर है, यही बेसिक नंबर ट्राई करो, जो जनरली तुम बोल सकते हो कि प्राइम है, जैसे 4 वाला तुम ट्राई करोगे ना, 4 मतलब 2 का स्क्वायर फिर से 2 में कन्वर्ट होता ही, तो जनरली यही नंबर्स ट्राई करने को, 2 में आता है क्या, 3 में आता है क्या, 5 में आता है क्या, 7 में आता है क्या, सब ट्राई करना, ठीक है। अब थर्ड सम तुम्हारा हो गया होमवर्क का, अगला सम हम लोग देखते हैं, उसके साथ साथ मैंने ये कांसेप्ट भी बता दिया तुमको कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है।
अगला सम तुम्हारा होमवर्क का जो था वो था फोर्थ वाला सम, 4/32 1/5। अगेन 32:1/5, तो 32:1/5 हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा है, 2:5 लिखा। तो अब ध्यान से सुनना, जब भी तुम लोग सम सॉल्व करते हो लॉ ऑफ इंडाइसेस के, एक कॉमन लिस्ट नंबर में कन्वर्ट करना सबको, न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो कोई भी नंबर हो, सबको कॉमन लिस्ट नंबर में कन्वर्ट करना। जैसे देखो यहाँ पे लिस्ट नंबर क्या था, 2 से और कोई दूसरा नंबर नहीं है इसमें कन्वर्ट कर सके, इसलिए लिस्ट। यहाँ पे भी देखो लिस्ट, सब सब जगह पे लिस्ट नंबर, तो 4 लिखा है। अभी सब लोग क्या करते हैं, पहले 32:1/5 लिखा है तो इसको पहले 2 में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। तुम लोग ये आदत रखोगे ना लिस्ट में कन्वर्ट करने की, आगे वाले सम तुमको बहुत इजी जाएगा, या एग्जाम में तुमको कोई क्वेश्चन भी आया इन केस तो वो भी बहुत इजी जाएगा। तो हमेशा ये आदत रखो लिस्ट में कन्वर्ट करने की, भले ही मुझे पता है कि तुमने सबने सॉल्व किया भी रहेगा, तो 4 इधर 2:5 कट, 4/2 तुम्हारा सेकंड लास्ट स्टेप आया रहेगा, 4/2 फिर 2 2 2 4 ऐसा भी किया रहेगा, भले वैसे भी किया रहेगा तुमने। देखो लॉ ऑफ इंडाइसेस को सॉल्व करने के तरीके बहुत अलग अलग है, अलग अलग वेज में अलग अलग आंसर आ सकते हैं, इजी भी सॉल्व कर सकते हो तुम अलग अलग मेथड से, मतलब ये भी सम अलग मेथड से हो सकता है, ये भी अलग मेथड से हो सकता है, तुम कर सकते हो बहुत सारे मेथड से। पर है ना जो टेक्निक है वो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, फॉलो करोगे ना तो जो डिफिकल्ट सम एग्जाम में आएंगे वो सम को तुम इजीली टैकल कर सकते हो, इसलिए तुम एक कॉमन मेथड फॉलो करो। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, लिस्ट में कन्वर्ट करना है, लिस्ट में सबसे छोटा नंबर 2। यहाँ पे 32 मतलब, यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं 32 मतलब 2:5 क्या होता है, 5/5। तो यहाँ पे 5 कट हो गया, या फिर कट करने से पहले हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसेस भी यूज कर सकते हैं, 2:5 (1/5). तो डिनोमिनेटर में जो लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज होता है वो क्या यूज होता है, a^n, बाहर n इज इक्वल टू a^m * n इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू 2:2/2:5 (1/5) तो इधर क्या है 2:2/2 कुछ नहीं मतलब 1। यहां पे लॉ ऑफ इंडाइसेस में हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, a^n / a^n इज इक्वल टू a^m - n। ये जरा ध्यान से देखना, बेस सेम होना चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बेस सेम है। तो 2:2 - 1 इज इक्वल टू 2:1, आंसर फाइनल तुम्हारा क्या आया, 2 आंसर। ठीक है, फोर्थ वाला सम हो गया। उसके बाद फिफ्थ वाला सम, फिफ्थ वाले सम का टाइप हम बेसिक वाला टाइप, लॉ ऑफ इंडाइसेस का पहला क्वेश्चन जब हमने किया था तो वो बेसिक टाइप वाला सम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 8/27 (1/3) ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, अब 8 मतलब क्या, 2 का क्यूब, अगेन लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करो उसको। 27 मतलब क्या, 3 का क्यूब होल रेस्ट 1/3। यहां पे लॉ ऑफ इंडाइसेस का एक फॉर्मूला यूज होता है, a/b(n) इज इक्वल टू a/n/b/n। कल के लेक्चर में मैंने तुमको बोला था कि हमेशा यहां से यहां पे ही जाता है फॉर्मूला, ऐसा नहीं रहता है, तुम लोग यहां से यहां पे भी आ सकते हो, ये मैंने कल के लेक्चर में तुम्हारे साथ बैठ के डिस्कस, कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब a/b(n) तो वैसा भी ला सकते हो, या फिर a/n/b/n इज इक्वल टू a/b(n), वाइस वर्सा ऐसा भी यूज कर सकते हो, a/n/b/n इज इक्वल टू a/b(n), मतलब 2:3/3 इज इक्वल टू, इसको लिखते हो कैसे लिखेंगे, मैं ये साइड लिखता हूं, ये साइड जरा ध्यान से देखना, 2:3/3 इसको हम लिख सकते हैं 2/3 (3), और बाहर तुम्हारा 1/3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 1/3 जो है ये वाला पावर वो एज इट इज है। अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a^m बाहर n इज इक्वल टू a^m * n। ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 द होल ब्रैकेट रेस्ट टू 3 * 1/3, तो 3 कट हो गया, आंसर तुम्हारा 2/3 आ जाएगा। चेक करो फटाफट ये सारे आंसर आए या नहीं आए तुम्हारे, फिर एक क्लास 6 सम रह गया, जिनके नहीं आए वो ये साइड पूरा लिख लो फटाफट, जिनको जिनको नहीं आया रहेगा ये साइड पहले लिखो फटाफट।
फटाफट लिखो, जिनको नहीं आया वो फटाफट चेक करो। चलो ये साइड हो गया रहेगा सबका, लिख के जिनको जिनको नहीं आया उनका। लास्ट सम तुम्हारे होमवर्क का सिक्स नंबर का सम 2 × 256 होल ब्रैकेट रेस टू -1/8। अब 2 × 256 अगेन 256 नंबर है तो 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। 4 वाला कंसीडर ही मत करो, 2, 3, 5 कंसीडर करो। 5 के तुम स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, फोर्थ रूट निकालो, फिफ्थ रूट निकालो, सिक्स्थ रूट निकालो, तुम कोई भी रूट निकालो लास्ट में क्या आता है, 5 ही आता है। तो इस नंबर के लास्ट में 5 नहीं आता है तो 5 से नहीं होगा, 5 का ऑप्शन चलेगा। फिर उसके बाद 3 अगेन ऑड नंबर है, ये हमारा आंसर जो आया वो इवन आया है। तो मेजोरिटी केसेस में 3 के स्क्वायर क्यूब्स वगैरह जो भी रहेंगे वो सभी ऑड ही रहते हैं, तो अब ये इवन नंबर है। 3 देख लिया, 5 देख लिया, अब बचा कौन सा नंबर, 2। मैंने तुमको अभी थोड़ी देर मैंने कैल्सिफेट टेक्निक सिखाया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले कैल्सिफेट 2 प्रेस करना, 2 प्रेस करने के बाद इन 2 प्रेस करना, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फिर इज इक्वल टू। जब पहली बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तब काउंट क्या करेंगे, काउंट क्या करेंगे, 2 काउंट करेंगे। वेरी गुड, अब पहली बार इक्वल टू प्रेस किया तो तुम्हारा आंसर 4 आया रहेगा, मतलब 2 का स्क्वायर काउंट 2 करना बोला था मैंने। फिर दूसरी बार इक्वल टू प्रेस किया, फर्स्ट टाइम इक्वल टू, सेकंड टाइम इक्वल टू, जब प्रेस किया सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसा गिना ही मत। ये पहला इक्वल टू को डायरेक्ट 2 पकड़ो, दूसरा इक्वल टू को 3 पकड़ो, ऐसा पकड़ो, ठीक है। तो ये आया रहेगा 8, तो 8 मतलब 2 का क्यूब, ठीक है, मतलब 3 काउंट कर रहे हो ना तुम लोग। फिर 4 इक्वल टू प्रेस किया तो तुम्हारा आंसर क्या आया, 16 आया नहीं आया। फिर तुम ऐसा करते गए, इक्वल टू प्रेस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7 और 8 टाइम तुम इक्वल टू प्रेस करोगे, यहाँ पे 32, यहाँ पे 64, यहाँ पे 128 और यहाँ पे आएगा 256। और मैंने तुमको बोला था जब पहली बार इक्वल टू प्रेस करोगे तब काउंट क्या करना है, 2 काउंट करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तुमने 8 काउंट किया तो 256 मतलब 2 raised to 8 होता है, आया समझ में। तो अब 256 is equal to 2 raised to 8 होता है, तो 2 raised to 8 - 1/8 यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, a raised to m बाहर n is equal to a raised to m into n is equal to 2 whole bracket raised to 2 raised to 8 into -1/8, तो 8 कट हो गया पावर का, तो 2 into, हम अक्सर ये माइनस साइन लेना भूल जाते हैं, तो याद रखना 2 raised to -1, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a raised to -m = 1/a raised to m, तो a raised to -m = ये 2 ऐसे का वैसा ही रहेगा, बहुत बार बता चुका हूँ, जिसको नेगेटिव पावर साइन है वही नीचे जाएगा और नेगेटिव पावर नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अभी 2 1 2 2 2 2 तुम्हारे क्या हो गया, कट हो गया, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया, 1। फाइनल आंसर क्या है तुम्हारा, 1। चेक कर लो ये होमवर्क के सारे सम्स तुम्हारे करेक्ट है यानी फटाफट से, इसके बाद फिर मैं तुमको और सम्स देता हूं। चलो जिनको नहीं आया उन्होंने लिख लिया क्या फटाफट सम सारे, ठीक है। चलो अभी और कुछ सम देता हूँ मैं अभी तुमको,
अगर इन केस तुमको कुछ लिखना रहा और वो रब हो जाता है गलती से, तो भगवान ने तुमको उधर पॉज का बटन दिया है, पॉज का बटन दबा के तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, कोई कंसेप्ट फिर से समझना है रिवाइंड भी कर सकते हो, YouTube ने तुमको वो सारे फैसिलिटीज दे के रखी है। अब आज के लेक्चर के कुछ सम्स करते हैं, थोड़े बहुत बोर्ड पे रहने दो। 32 इंटू एक्स रेस टू 5 होल अपॉन वाई रेस टू माइनस 10 द होल ब्रैकेट रेस टू 1/5, ये माइनस 10। ठीक है, ये तुमको करना है सारे सम्स। सेकेंड सम, a रेस टू p माइनस q इंटू a रेस टू q माइनस r इंटू a रेस टू r माइनस p। थर्ड सम, 4 रेस टू 3 बाहर 2 इंटू 5 रेस टू 2 बाहर 3 इंटू 6 क्यूब का स्क्वायर द होल अपॉन 4 स्क्वायर का क्यूब इंटू 5 क्यूब का स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर का क्यूब। छोटा सा सम है, कर लो। और दो सम देता हूं, सारे सम एक साथ करो फटाक से। एक्स रेस टू ए माइनस बी इंटू एक्स रेस टू बी माइनस सी into x raised to c minus a into x raised to minus a minus b। fifth sum, डॉट 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 दिया मतलब इनटू है, याद रखना। और इनटू मतलब भी इनटू ही है। 32 रेस टू माइनस 1 इनटू एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू माइनस 2। ये पांच सम है, तुमको मैं 5 मिनट देता हूं, फटाफट सॉल्व करो और फाइनल आंसर बताओ मुझे क्या है। फटाक से जल्दी जल्दी करो, ध्यान से देख लो 32 किस में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे कन्वर्ट हो सकता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है। यहाँ पे a रेस टू m, a रेस टू n, a रेस टू o ऐसा वगैरह कुछ कर सकते क्या नहीं। सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अपने को नेगेटिव साइन पसंद नहीं है, तो नेगेटिव साइन को पहले पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, वो ट्रिक फॉलो करना। सारे सम करो फटाफट, 5 मिनट देता हूं, फटाफट सारे सम्स करो। टाइम स्टार्ट ना फटाफट।
हो गया क्या? जल्दी करो। जल्दी करो फटाफट। हो गया लास्ट 2 मिनट्स, जल्दी। लास्ट 1 मिनट, जल्दी। चलो टाइम, अब मैं तुमको एक सम सारे बोर्ड पे सॉल्व करके देता हूँ। पहला सम चेक कर लो फटाफट, 32x^5/y^-10 द होल ब्रैकेट (1/5). तो इसको तुमने लिख तो कैसे लिखा, 32 मतलब 2^5 इंटू (x^5) द होल ब्रैकेट (y^-10) 1/5। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a अपॉन b होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू n
अपॉन बी रेजिस्टेंट, तो ए रेजिस्टेंट अपॉन बी रेजिस्टेंट का टेक्निक आप यूज करेंगे 2 raise to 5 इनटू, और एक चीज हम लोग कर सकते हैं साथ में ये फॉर्मूला के साथ साथ एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए बी होल रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन इनटू बी रेस टू एन। अब यहां से ए रेस टू एन बी रेस टू एन, ए रेस टू एन बी रेस टू एन, इसके जगह क्या लिख सकते हैं ए बी होल रेस टू एन मतलब 2 रेस टू 5 और x रेस टू 5 इसको मैं लिख सकता ना 2 x होल रेस टू 5 ठीक है अपॉन y रेस टू माइनस 10 ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है a अपॉन b होल रेस टू n। चलो मैं दो दो चीजें कंफ्यूज नहीं करता तुमको, मैं एक स्टेप में एक ही लॉ ऑफ इंडसेस यूज करके सॉल्व करके देता हूं। चलो पहले ये वाला लॉ ऑफ इंडसेस यूज किया द होल ब्रैकेट रेस टू 1/5। अब दूसरा लॉ ऑफ इंडसेस हम लोग यूज करते हैं a अपॉन b होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू n अपॉन b रेस टू n। ये वाला लॉ ऑफ इंडसेस यूज किया तो इस हिसाब से क्या आएगा 2x होल ब्रैकेट रेस टू 5 इनटू 1/5 होल अपॉन y माइनस 10 y रेस टू माइनस 10 इनटू 1/5 5 5 कट 5 1 जा 5 2 जा 10। अब यहां पे क्या बचता है सिर्फ 2x अपॉन y रेस टू माइनस 2, नेगेटिव में हमको पावर साइन चाहिए नहीं तो यहां पे लॉ ऑफ इंडसेस यूज होगा 1 अपॉन a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू a रेस टू n। ये लॉ ऑफ इंडसेस हम लोग यहां पे यूज करेंगे उस हिसाब से तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है 2x y स्क्वायर ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लो फटाफट तुम्हारा ये आंसर आया है नहीं, फटाफट से चेक कर लो नया रहेगा तो करेक्ट कर लो। चेक कर लो फटाफट। किया सबने चेक ठीक है। इसके बाद पहले मैं थर्ड सम सॉल्व करते देता हूं तुमको फिर सेकंड करके देता हूं। थर्ड सम के तरफ जरा ध्यान से देखो तुमने इधर 2 का स्क्वायर इधर या फिर सबको मल्टीप्लाई किया रहेगा और फिर सॉल्व किया रहेगा तो तुम्हारा आंसर ऑफ कोर्स क्या रहेगा क्या है सबका आंसर ठीक है। किसी का जो भी आया एक बार चेक कर लेते फटाफट। तुमको कुछ नहीं करना था बहुत इजी सम था दो स्टेप वाला सम था 4 raise to 3 to the 6 into 5 raise to 3 to the 6 into 6 raise to 3 to the 6 ठीक है होल अपॉन 4 raise to 6 into 5 raise to 6 into 6 raise to 6 4 raise to 6 cut 5 raise to 6 5 raise to 6 cut 6 raise to 6 6 raise to 6 cut और आंसर तुम्हारा आता है 1। बहुत इजी सम था थर्ड वाला एक बार चेक कर लो। थोड़ा वाला समय एक बार चेक कर लो। हमने यहाँ लॉ ऑफ इंडसेस जो यूज किया वो लॉ ऑफ इंडसेस कौन सा यूज किया लॉ ऑफ इंडसेस यहाँ पे यूज किया a रेस टू m बाहर n इज इक्वल टू a रेस टू m इनटू n ये लॉ ऑफ इंडसेस यूज किया हमने ठीक है। उसके बाद अभी फोर्थ सम देखते हैं सेकंड सम करता हूं मैं पहले बाकी के सम चेक कर लो फिर सेकंड सम लास्ट में करता हूं। फोर्थ वाला सम था तुम्हारा x रेस टू a माइनस b इनटू x रेस टू b माइनस c इनटू x रेस टू c माइनस a इनटू x रेस टू माइनस a माइनस b। इस हिसाब से x रेस टू अभी a रेस टू m रेस टू n रेस टू a फिर सब a के इसमें इस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a रेस टू m इनटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n वो यूज करेंगे तो क्या आएगा x रेस टू a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस माइनस a माइनस b। इसको अगर सॉल्व करेगा कि x रेस टू a माइनस b प्लस a माइनस a इधर ही कट होता है प्लस b माइनस b इधर ही कट होता है प्लस c माइनस c कट होता है बचता क्या है
ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए माइनस बी बचता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां तक लिख के इसको छोड़ देते हैं और ऑप्शन में देखते हैं, तो ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन में दिखता है तो डी नन ऑफ दिस पर टिक कर देते हैं। तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा तो नन ऑफ दिस पर टिक कर दिया। लेकिन इस सम को तुमको कैसे सॉल्व करना था जरा ध्यान से देखो। x is to, ऐसे टाइप के सम एग्जाम में आते हैं, यहाँ पे ऊपर माइनस का साइन कॉमन निकल सकता था, माइनस का साइन कॉमन निकाला तो क्या आता है a प्लस बी, माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाला तो क्या आया a प्लस बी। जरा इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू वन अपॉन a रेस टू n। यहाँ पे m क्या है, a प्लस बी पूरा ही पूरा तुम्हारा m है, तो वन अपॉन x रेस टू a प्लस बी तुम्हारा फाइनल आंसर। ये ऑप्शन में रहेगा पर तुम गलती से ये देखते रहोगे नहीं मिला d नन ऑफ दिस टिक करके आगे, ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी तुमको लगे कि आंसर नन ऑफ दिस आ रहा है उसको एक और बार सोचना, देखना ठीक से कि नन ऑफ दिस हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि रेयरेस्ट रहता है नन ऑफ दिस, पर रहा तो एक बार तुम देख लेना अच्छे से। बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार हो गया नन ऑफ दिस ही आ रहा तो फिर टिक कर सकते हो। फिफ्थ वाला सम, सेकंड वाला बाकी मुझे पता है, सेकंड वाला मैं कराता हूँ। जिनका ये इनकरेक्ट गया एक बार देख लो, ये भी देख लो जिनका जिनका इनकरेक्ट गया है। फिफ्थ वाला सम 64 एक्स रेस टू माइनस फोर इंटू वाई स्क्वायर इंटू 32 होल रेस टू माइनस वन इंटू एक्स रेस टू फोर इंटू वाई रेस टू माइनस टू। यहाँ पे मैंने एक हिंट दी थी तुमको, हिंट ऐसी थी कि जिधर जिधर पावर में नेगेटिव साइन है उसको क्या करना है, तुम सबको पॉजिटिव करना है, ये तुमको हिंट दिया था मैंने। तो पावर में तुमको नेगेटिव साइन किधर दिख रहा है, इधर x रेस्ट टू माइनस फोर यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है। पॉजिटिव करने के लिए तुमने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडक्टेंस कौन सा यूज किया, a रेस्ट टू माइनस m इज इक्वल टू वन अपॉन a रेस्ट टू m, ये लॉ ऑफ इंडक्टेंस तुमने यूज किया, ठीक है। इस लॉ ऑफ इंडक्टेंस को सेम एज इट इज यूज करेंगे तो 64 इंटू वन अपॉन x रेस्ट टू फोर इंटू y स्क्वायर into 32 raise to minus 1 क्या आता है 1 upon 32 into x raise to 4 into 1 upon y raise to 2। तो जिधर जिधर पावर में नेगेटिव साइन थी वो सारे पावर के नेगेटिव साइन को हम लोग नीचे लेकर आ गए। अब ध्यान से देखना, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे एक दूसरे से, ठीक है। 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, x raise to 4 x raise to 4 कट, x square कट, तुम्हारा आंसर आता है 2। सिर्फ दो ही स्टेप का आंसर था, कॉम्प्लिकेट मत करो सम को, जितना इजीली सॉल्व कर सकते हो उतना इजी रखो सम को। तुम्हारा आगे का सम सॉल्विंग वगैरह प्रोसेस बहुत इजी जाएगा, तुम्हारा जो तुमको फटाफट है ना लॉजिक्स जो है तुम्हारे क्लियर हो गए। और वो लॉजिक्स क्लियर कब हो गए, जब तुम कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर है, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो। ये जो लॉ ऑफ इंडेक्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ इंडेक्सेस यूज करके हम लोग कितना इजी बना सकते हैं, कितना शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं, वही माइंडसेट से सॉल्व करो सारे सम्स। अभी एक ही सम बच गया है सेकंड वाला, फटाफट जिनको नहीं आया कह गए फटाफट लिख लो, जो जो सम्स नहीं आया फटाफट लिख लो, एक सेकंड ही बाकी है। सेकंड का आंसर क्या है तुम सबका, सेकंड का आंसर क्या है? इस सम को देखा जाए इसी तरह पूरा सम था, सेम टाइप का ही था, सिर्फ यहाँ पे ये एक्स्ट्रा था। इसका आंसर तुम्हारा वन आना चाहिए, जिन जिन को नहीं आया वन मैं सॉल्व करके देता हूं तुमको। अभी फिलहाल के लिए सारे सम्स करो फटाफट, जिन जिन को नहीं आया फटाफट देख लो एक बार, चेक कर लो जिनके आया वो राइट है या नहीं। ये रख कर देता हूं मैं सेकंड वाला सम, लास्ट सम। a रेस टू p माइनस q इंटू a रेस टू q माइनस r इंटू a रेस टू r माइनस p, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। हम डायरेक्टली फॉर्मूलाइज करते हैं, या तो हम लोग फॉर्मूलाइज कर रहे हैं a रेस टू m into a raise to n is equal to a raise to m plus n, ये वाला formula हम लोग use कर रहे हैं। ये formula अगर use करें तो a raise to p minus q plus q minus r plus r minus p plus p minus p cut plus r minus r cut plus q cut,
आंसर आता है ए रेस टू जीरो। हमेशा रखना, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे भी सब कट होने के बाद तुम लोग वन लिखते हो पागल जी से, याद रखना सब कट होने के बाद जीरो बचता है। ये सब कट हो गया, तुम्हारा आंसर क्या बचा? जीरो। और लॉ ऑफ इंडाइसेस का एक लॉ तुमको पता ही रहेगा, एनीथिंग रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन। इसी के ऊपर बेस्ड सम से कुछ वो तुमको करने हैं, अभी करने हैं। सम नंबर एट एक्सरसाइज का पेज नंबर 21 एक्सरसाइज 1C, सम नंबर 8, सम नंबर 9, सम नंबर 11, सम नंबर 14 और सम नंबर 16, इसी टाइप के सम्स हैं। ये सारे सम्स अभी के अभी करने हैं, फटाफट करो फटाफट करो, 5 मिनट है तो फटाफट एक सम्स कंप्लीट करो। फटाफट करो, सेम टाइप की सम है, लास्ट 1 मिनट देता हूं, फटाफट करो। ठीक है चलो आंसर चेक करो। चेक करो फटाफट, लास्ट ओवर 1 मिनट है तो तुमको फटाफट करो फटाफट करो। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट सम्स नहीं दिए मैंने,
हो गया ठीक है। चलो फटाफट आंसर चेक कर लो। एट वाले सम का आंसर तुम्हारा आया रहेगा 3xy square। एक बार चेक कर लो 3xy square आया नहीं है। नाइन्थ नंबर के सम का तुम्हारा आंसर आया रहेगा 1। सेम टाइप का ही है, इसमें अलग से मेरे को फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं ऐसा मुझे लगता है। ये सेम टाइप है, इसी तरीके से सॉल्व करना है तुमको। सम नंबर 8 वाला 9th वाला ऐसे सेम टाइप का, सिर्फ a के जगह पे इधर x दिया है, p के जगह p q r के जगह पे a b c है, सेम टाइप है ठीक है। 11th का तुम्हारा आंसर आता है 1। अगेन इधर मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व करके दिया था, तुमको सिर्फ पावर्स को मल्टीप्लाई करना था। तो 3:6 4:6 5:6 अपॉन 3:6 4:6 5:6 सेम आता है। तो अगेन वन आंसर आता है, सबको कट 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 कर से करके हमारा आंसर वन लेकर आ सकते हैं हम लोग, वन आता है आंसर। उसके बाद 14 नंबर का सम सेम ऐसा ही है, सिर्फ एक्स जगह पे वाई लिख दूं तो सेम टाइप का सम बनता है। तो यहां पे वाई अगर कर दूं तो तुम्हारा वाई रेस टू ये सब कट हो जाता है, सिर्फ इतना बचता है। मैंने तुमको बोला था ये वाला ऑप्शन देखोगे तो तुम देखो तुम्हारे बुक में शीट में देखो, वो शीट में 21 पेज पे 14 नंबर का सम देखो, तुम्हारा अगर आंसर y रेस्ट टू माइनस a माइनस b आया रहता तो उसमें से देखो कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है तो उधर ही वो छोड़ देते। इसलिए यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने का ये बचता है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होके ये फाइनल आंसर आता है। सेम तुम्हारा यहाँ पे आंसर आया रहेगा 1/y^a + b, दैट इज ऑप्शन तुम्हारा डी आंसर आया रहेगा ठीक है। 14th वाला सम और लास्ट में 16th वाला सम, इसका आंसर तुम्हारा सबका 2 आंसर आया रहेगा। 16th वाले सम का आंसर सबका 2 आया रहेगा ठीक है, सेम एज इट इज है, फिर सिर्फ 4 की जगह पे 3 है और ये नंबर्स अलग अलग 16 और 8 है ठीक है। तो तुम्हारा आंसर 3xy² 8 नंबर का, 9th नंबर का 1 आता है, 11th नंबर का 1 आता है, 14 नंबर का 1/y^a + b और 16 नंबर का आंसर 2 आता है ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। आज होमवर्क कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा।